हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देख सकते हैं गाड़ी है टाटा एस मैजिक एक्सप्रेस BS6। ये गाड़ी में क्या हो रहा है, गाड़ी रीजनरेशन नहीं ले पा रही है। बहुत ट्राई किया स्कैनर से बट रीजनरेशन नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो ये गाड़ी में क्या होता है, कोई फॉल्ट कोड एक्टिव रहता है तो गाड़ी रीजनरेशन नहीं ले पाती। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको क्या हो रहा है, अपने स्कैनर लगा चेक करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो करते हैं इसको स्कैन, स्कैन करके देखते हैं क्या फॉल्ट कोड है, उस फॉल्ट पर अपन काम करेंगे। और इस गाड़ी में पिकअप बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी दबती भी है, घाटी वगैरह भी नहीं चढ़ती है। हम करेंगे सॉफ्टवेयर ओपन, जाएंगे इंटेलिजेंट डायग्नोस। अभी ये गाड़ी के विन नंबर से उठाएगा तो देख सकते हैं रेड विन कर रहा है, देख सकते हैं। ले लीजिए टाटा इंडियन में जाएंगे डायग्नोस, व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे। पिकअप व्हीकल में आती है अपनी गाड़ी है, तो पिकअप व्हीकल में जाएंगे। BS6 ये गाड़ी डीजल में जाएंगे। और अपनी गाड़ी इंट्रा V10 मैजिक M2S इसमें जाएंगे, 800 cc वाले इंजन में। सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और EMS में जाएंगे और रेड फॉल्ट कोड करेंगे। देखते हैं क्या फॉल्ट कोड है। तो देख सकते हैं दोस्तों फॉल्ट कोड इसमें 2 DPF के हैं जो सूट माल बढ़ने से आ गए हैं, रीजनरेशन बस चले जाएंगे। और एक जो फॉल्ट कोड है इंटेक टोटल वाल वोल्टेज हाई सिग्नल रेंज चेक, तो इस फॉल्ट कोड के चक्कर में अपनी गाड़ी रीजनरेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं रीजनरेशन नंबर लाइट ब्लिंक कर रही है, आई रीजनरेशन नहीं हो पा रही इस फॉल्ट कोड के चक्कर में। तो चलिए करते हैं इसको क्लियर, देखते हैं फॉल्ट कोड क्लियर होता है कि नहीं। फॉल्ट कोड कंफर्म है तो है, यस एक फॉल्ट कोड करेंगे, देखते हैं फॉल्ट कोड गया या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों फॉल्ट कोड कंफर्म में ही है इंटेक वाल्व वाला। चलिए इस पे काम करते हैं, ढक्कन खोल कर देखते। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बनर ओपन कर लिया अपन ने, ये है टोटल गाड़ी, टोटल गाड़ी टोटल गाड़ी बोलते हैं। चलिए खोलते हैं, कपड़ा तो लूज नहीं है, मुश्किल से ही निकल रही है। तो देखते हैं क्या मिस्टेक है, वायर मार टूटा है क्या, टोटल गाड़ी ख़राब है। चेक करते हैं इसको, कपड़ा तो सही लग रहा है दोस्तों, हो सकता है टोटल गाड़ी ख़राब हो, तो शायद वायर टूटा हुआ है इसका। हाँ, आप लोग देख सकते हैं ये इसका जो वायर है टूटा हुआ है। ठीक है, हो सकता है इसी कारण अपना कोड बन रहा हो, ऐसा आपको दिख नहीं रहा होगा कि वायर टूटा हुआ है। ठीक है, कैमरे में शायद कम दिख रहा हो, देख सकते हैं वायर टूटा हुआ है इसका, यहाँ पर रिगड़ा के बाद टूट गया। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं, जोड़ करते हैं इसको स्टार्ट, चेक करते हैं कि फॉल्ट कोड गया नहीं गया। फॉल्ट कोड चला गया, वैसे चला जाएगा फॉल्ट कोड क्योंकि वायर टूटा हुआ है, और फॉल्ट कोड चला गया अपना गाड़ी रीजनरेशन हो जाएगा। ठीक, जोड़ते हैं इसको, तो देख सकते हैं जोड़ रहे हैं वायर, वायर जोड़ के टेपिंग करके करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, कपलर लगा के चेक करते हैं इसका फॉल्ट कोड। और अगर ये फॉल्ट कोड चला गया तो दोस्तों गाड़ी रीजनरेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो
बेहतरीन, ताकि ये इधर वापस रगड़ा रगड़ा कर टूटे ना। जब तक गाड़ी दूसती है तो ये जो वायर है इस बॉडी से टकराता है, घिसा के टूट जाता है। ठीक है, इसी कारण से गाड़ी दब रही थी बहुत दिन से और रिजनरेशन बार बार ले रही थी, पर अब की बार इसका रिजनरेशन हुआ नहीं। कस्टमर कंप्लेंट थी कि गाड़ी दब रही है, बहुत दब रही थी गाड़ी। चलिए लगाते हैं इस कपलर को। कपलर लगा के करते हैं इसको ओके फिटिंग, दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं फिटिंग कर दिया अपन ने, कंप्लीट कर दिया बिल्कुल फिटिंग। ठीक है, अभी उधर भी कर दिया, टकराने का काम ख़त्म। तो करते हैं वापस रीट फॉल्ट कोड। ठीक है, देख सकते हैं रिजनरेशन बत्ती कंटिन्यू है। डायग्नोस ब्रेक करेंगे, जाएंगे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, रीट फॉल्ट कोड, देखते हैं फॉल्ट कंफर्म में है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फॉल्ट था वो मेमोराइज हो चुका है, यानी स्टोरी चला गया। ठीक, अगर ये फॉल्ट कंफर्म होता तो हमारी गाड़ी रिजनरेशन नहीं हो पाती। ठीक, अब कोई भी कोड कंफर्म नहीं है, तो करते हैं इसको क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या फॉल्ट कोड है। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट कर, देखते हैं क्या फॉल्ट कोड है। गाड़ी स्टार्ट है, रीट फॉल्ट कोड करेंगे, देखते हैं क्या फॉल्ट कोड बनता है भाई। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो फॉल्ट कोड बन रहा है, ये बन रहा है अपने सूट मास्क के। ठीक, सूट मास्क चेक करेंगे, डाटा स्ट्रीम पैरामीटर्स, सूट मास में जाएंगे, सूट मास वैल्यू ओके। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका सूट मास है 30 ग्राम। ठीक है, तो करना पड़ेगा इसका रिजनरेशन, इसके बाद जब सूट मास होगा कम इसका। ठीक है, अपन जाएंगे स्पेशल फंक्शन DPS सर्विस रिजनरेशन में, ओके। देख सकते हैं ये सब बता रहा है इसका, ये होना चाहिए। ठीक, तो ये अपन देखेंगे कि सूट मास अभी है अपना 30, डेल्टा प्लस 18 है, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देख सकते हैं रिजनरेशन चालू हो चुका है, गाड़ी ने रिजनरेशन ले लिया। ठीक है, और जल्दी वेट करते हैं, इसके बाद वीडियो बनाते हैं रिजनरेशन होने के बाद। देख सकते हैं दोस्तों, रिजनरेशन ओके हो चुका है, रूटीन ओके, और हमारा सूट मास भी 0 हो चुका है, डेल्टा प्रेशर 1 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, करेंगे ओके स्टॉप, करेंगे स्टॉप, फिर जाएंगे अपन डाटा स्ट्रीम में, चेक करेंगे सूट मास वैल्यू। ठीक है, सूट मास वैल्यू ओके, देख सकते हैं 0 हो चुका है हमारा सूट मास वैल्यू। ठीक, और अब देख सकते हैं रीट फॉल्ट कोड, तो देख सकते हैं नो ट्रबल कोड, हमारी गाड़ी में यही फॉल्ट था, हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है क्लियर। ठीक है, देख सकते हैं गाड़ी ओके हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।